नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी कुचामन सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 23 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है, सॉरी 22 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे, क्योंकि हम एक दिन पीछे चल रहे हैं अभी। तो 22 जनवरी के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि ASICS में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त और किस पैरा ओलंपियन को शामिल किया गया। देखो, योगेश्वर दत्त का तो दे दिया है कि ये भाई पहलवानी करता है, कुश्ती से संबंधित है। इसका जो पैरा ओलंपियन यानी कि दिव्यांग श्रेणी के अंदर दिलीप दीपा मलिक है, उसको इसके लिए शामिल किया गया है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। दीपा मलिक की बात करें तो ये भारत की एक 50 वर्षीय महिला है जो पैरा ओलंपिक के अंदर, रियो ओलंपिक के अंदर और उसके अलावा भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सिल्वर मेडल जीता था और ऐसा जीतने वाली वह पहली महिला थी। ये दो चीजें करती है, एक तो है शॉट पुट और एक है जेवलिन थ्रो, दो श्रेणियों के अंदर ये खेलती है। सबसे महत्वपूर्ण दीपा मलिक इसलिए है कि 2019 का यानी कि पिछले साल का हमारा देश का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दो लोगों को दिया गया। उसमें एक थी ये दीपा मलिक और दूसरे व्यक्ति का नाम था बजरंग पूनिया। तो ये आपको याद रखना है, बजरंग पूनिया के साथ खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जबकि योगेश्वर दत्त के साथ दीपा मलिक को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर शामिल किया गया। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन एफ का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है, यानी कि यदि मतदाता वोट देने आएगा तो उसके चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान की जाएगी कि ये वोट देने वाला यही है या नहीं है। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति ए है, वो वोट देने आता है और यदि फेस के माध्यम से उसकी पहचान हो जाएगी तो उसको वैलिड माना जाएगा और उस राज्य का नाम है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की अभी हमने पिछले वीडियो में देखी थी कैपिटल है वो है हैदराबाद। तो तेलंगाना राज्य भारत का पहला राज्य होगा जो एंट्री गेट पर, जैसे ये रूम है इसके अंदर घुसते ही आपका चेहरा पढ़ लिया जाएगा और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि ये मतदाता वही है या नहीं है। ये भारत में पहली बार हो रहा है ऐसा। इससे क्या होगा कि जो फेक वोटिंग होती है, बोगस वोट देने आ जाते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगेगा। बिहार के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है दोस्तों पटना, उड़ीसा की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, सबको ही पता है। और यहीं पे उड़ीसा के अंदर ही एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और हीराकुंड बांध जिस नदी के किनारे है, जिस नदी पर बना है उसका नाम है महानदी। यहीं पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, यहीं पे पुरी है। ये चीजें आपको कर लेनी है। और उड़ीसा के अंदर ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। अगर पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ पे एक स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर जिस जगह पे स्थित है उसका नाम है अमृतसर है। वाघा बॉर्डर भी यहीं पे है। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला भी पंजाब में स्थित है। और बिहार में ये जो पटना है जिस नदी के किनारे उसका नाम है गंगा। अगर बिहार की बात करें तो प्राचीन काल में यहाँ एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा और एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था विक्रमशिला। ये दोनों भी बिहार में ही स्थित है दोस्तों। तो इन चार ऑप्शन के माध्यम से एग्जाम टाइप के हमने बाकी फैक्ट हैं वो देख लिए। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, इसको सीधा सा समझो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट था, उस एक्ट 2008 की जो वैधानिकता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उस राज्य का नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कहा है कि राज्यों के ऊपर ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नेशनल, इसका एक्ट लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उनकी जो सॉवरेंटिटी है, जो उनकी स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, उसको बाधित करता है। छत्तीसगढ़ की अगर कैपिटल देखें तो वो है दोस्तों रायपुर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की अभी पटना पड़ी थी और पंजाब की चंडीगढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि NIA एक्ट को चुनौती दी है छत्तीसगढ़ ने। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेड आएगा, ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट संकलित की थी, यानी कि दुनिया के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट ये कौन जारी करता है और इसका राइट आंसर है अंकटाड। पहले हम अंकटाड की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी, पहली बात। तो दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, एक सम्मेलन है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। आपको बता दें यही ये रिपोर्ट जारी करता है हर एक साल, और इसका उद्देश्य है कि दुनिया के अंदर व्यापार को, विकास, निवेश को और विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए ये कार्य करता है, तीन मुद्दों के ऊपर काम करता है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन और आए हैं, एक का नाम है विश्व बैंक और एक IMF। IMF का नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। विश्व बैंक और IMF दोनों के अगर मुख्यालय की बात करें तो 1944 में इनकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक प्लस IMF की, और ये जिस समझौते के तहत हुई थी उस समझौते का नाम था ब्रेटन वुड। इसीलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड सिस्टर भी कहा जाता है, सिस्टर्स, बहनें भी कहा जाता है। और इन दोनों का मूल्य मुख्यालय वॉशिंगटन के अंदर है, ये आपको याद रखना है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो दावोस के अंदर होती है हर एक साल, और ये जिस जगह स्थित है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए, यही अभी जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसने भारत के आर्थिक विकास का अनुमान कितने प्रतिशत कम कर दिया है, और इसका राइट आंसर है 4.8। अब उन्होंने कहा है कि भारत 4.8 की गति से बढ़ेगा और अगले साल इसकी गति 5.6 हो जाएगी, जो कि बहुत कम है क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और इसकी जो ग्रोथ रेट है 8% से ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हमारे देश के अंदर जो गैर बैंकिंग सेक्टर है उनके अंदर वित्तीय अनियमितता और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मांग कम होने के कारण, क्योंकि फसलें कम हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, इस कारण से इसकी ग्रोथ रेट 4.8 तक आ गई है। सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कि दुनिया के सबसे छोटे आदमी, ये नाम याद रखना है, मेन चीज यही है, खगेंद्र थापा मागर का जनवरी 2020 में निधन हो गया, उसकी लंबाई कितनी थी। पहले तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसकी लंबाई थी 67.08 सेंटीमीटर, यानी 67.08 सेंटीमीटर था, ये लगभग 2 फीट 2.5 फीट के आसपास था। अब बात उठती है कि ये थे कहाँ के, ये सवाल आपसे पूछेंगे। दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे नेपाल के रहने वाले, और नेपाल की कैपिटल है वो है दोस्तों काठमांडू, और अगर नेपाल की राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी है, VD भंडारी है उसकी, और अगर इसके प्रधानमंत्री की बात की जाए, PM की बात की जाए, तो उसके जो PM है वो है KP शर्मा ओली। तो ये हमने नेपाल के माध्यम से, नेपाल के अंदर ही माउंट एवरेस्ट है जिसको सागरमाथा भी कहा जाता है। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कि जनवरी 2020 में 12वां राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम, जनजातियों का आपस में मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है, ये कहाँ आयोजित किया गया, और इसका राइट आंसर है पांडुचेरी। पांडुचेरी भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, UT है, और यूनियन टेरिटरी है और इसकी विधानसभा है, इसलिए इसका एक राज्यपाल होता है, और वर्तमान में इसके जो राज्यपाल है उनका नाम है किरण बेदी, जो भारत की पहली पुलिस अधिकारी है, भारत की फर्स्ट इंडियन है जो IPS है महिला, ये भी याद रखना है। पांडिचेरी की अगर हम बात करें तो पांडिचेरी भारत का ये जो मैप है, इस मैप में तीन राज्यों में स्थित है। देखो यहाँ इसकी जो जगह है उसको कहा जाता है माहे, केरला के अंदर पड़ती है यूनियन टेरिटरी में, यहाँ है आंध्र प्रदेश में उसको यनम कहा जाता है, और एक तमिलनाडु में जिसको कहा जाता है कराईकल, यानी कि भारत का ऐसा यूनियन टेरिटरी जो तीन राज्यों में इसका प्रदेश पड़ते हैं वो है पांडिचेरी। पांडिचेरी 1954 के अंदर आजाद हुआ था, किससे, फ्रांसीसियों से, यहाँ पहले फ्रेंच बस्तियां थी और अब भारत के अंडर में है, और ये है केरला में। तो ये तीन है देखो, माहे, यनम, कराईकल, ये भी आपको याद रखना है। बाकी के जो फैक्ट है, चेन्नई, कलकत्ता, नई दिल्ली, हैदराबाद, ये हम देख चुके हैं भारत की सिटियां हैं। एट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 6 मार्च को किस राज्य में चापचरकुट महोत्सव मनाया जाएगा। पहले तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, मणिपुर के अंदर ये चापचर कुट त्योहार मनाया जाएगा। देखो चापचर कुट त्योहार है ये मणिपुर का सबसे बड़ा त्योहार है, और ये मनाया जाता है झूम खेती के बाद में। झूम की खेती कर लेते हैं, झूम खेती का आशय ये है कि हर एक साल आदिवासी लोग खेती करने के लिए जंगलों और घास को जला देते हैं, और उससे जो राख बनती है उस राख के ऊपर ये खेती करते हैं, उसी को झूम खेती कहते हैं। और ये वहां झूम खेती की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक के तौर पर चापचरकुट त्योहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कलकत्ता, मिजोरम की आइजोल और नागालैंड की कोहिमा है। तो
ये आपको याद रखना है। चापचरकुट त्योहार है, महोत्सव है, ये 6 मार्च को मनाया जाएगा जुमिंग खेती के पश्चात में मणिपुर में, जिसकी कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल है इसकी कैपिटल, ये भी याद रखना है। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का 15वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका स्थापना दिवस 18 जनवरी को मनाया गया, 18 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई। अब सवाल उठता है, ये एनडीआरएफ है क्या? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स इसका नाम है, फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और ये जहां कहीं भी डिजास्टर आ जाता है उसके लिए, चाहे वो आग कहीं पर आग लगी हो, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, उसके अंदर लोगों की जान को बचाने का प्रयास करता है। और अभी तक इसने साढ़े अपनी स्थापना से लेकर अब तक 6.5 लाख लोगों को बचाया है राहत कार्यों में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेपुटेशन पर आते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बाकी जो टेरिटोरियल फोर्सेस से लोग इसके अंदर काम करने के लिए, इसका अपना कोई बल बल नहीं है, डेपुटेशन पे आके सेवाएं देते हैं लोग, मिलिट्री पर्सन। आज का करंट अफेयर्स इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम 23 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।